पिछले 32 दिनों से ओंकारेश्वर के घुंगल गांव में चला रहा जल सत्याग्रह समाप्त हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने घुंगल गांव पहुंचकर जल सत्याग्रह समाप्त करवाया। राज्य सरकार ने सत्याग्रह कर रहे लोगों की मांगे नहीं मानी और लगातार पानी में खड़े रहने के चलते उनकी हालत खराब हो रही थी। इसी के चलते आम आदमी पार्टी और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों ने जल सत्याग्रह खत्म करवा दिया। ये सभी प्रदर्शनकारी ओंकारेश्वर बांध का स्तर 189 मीटर से बढ़ाकर 191 मीटर करने का विरोध कर रहे थे। आम आदमी पार्टी और नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहना है कि किसानों की लड़ाई अब दिल्ली में लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे, पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंदोलन की जरूरत है। आज जो पानी में 32 दिन से आप पड़े हैं, ये इतने संवेदनहीन लोग हैं कि 132 दिन तक आप इन्हीं पानी में रह के अपने शरीर को गलाते रहेंगे तब भी आपकी बात सुनने वाले नहीं। आपका जीना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी माता बहन को, किसी नौजवान साथी को कुछ हो गया तो हम और आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए, मध्य प्रदेश के हर जिले में ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश के हर गांव में पहुंचाने के लिए, और भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के सामने आंदोलन करने के लिए आपको यहां से निकलना पड़ेगा और हम सब एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर आंदोलन करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। ये पानी में रह के शरीर गलाने से इस सरकार के ऊपर और इसके संवेदनहीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।